नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आजाद नगर मित्र मंडल एवं सकल हिंदू समाज के आह्वान पर रविवार शाम 4 बजे से स्थानीय गणेश चिनिंग से गाजो बाजो एवं आतिबाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होकर शाम 6:30 बजे दशहरा मैदान पहुंची, जहां हजारों की संख्या में दीप जलाकर दीपों से जय श्री राम लिखकर दीपोत्सव मनाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सर्व समाज की महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। महिलाओं ने अपने सर पर भगवा साफा व लाल चुनरी धारण कर चल रही थी व पुरुषों एवं बच्चों के हाथों में भगवा ध्वज लहरा रहे थे व सभी सफेद वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री राम का जयकारा लगा रहे थे। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम एक रथ पर माता शबरी टोकरी में बैर लिए एक बुजुर्ग महिला को माता शबरी बनाकर बैठाया गया था। वही बैंड बाजो एवं ढोल ताशों की थाप पर महिलाएं एवं पुरुष व बच्चे झूमते हुए चल रहे थे। कई माता बहनें अपने साथ में ढोल मंजीरे व शंख लेकर आई थी, जिन्होंने श्री राम धुन पर वातावरण राममय कर दिया। सबसे अंत में एक बड़ी चलित झांकी पर प्रभु श्री राम, माता सीता, अनुज लक्षण एवं हनुमान जी की आदमकद मूर्तियां विराजित थी। वहीं एक बगी में भगवान श्री राम दरबार की प्रतिकृति के रूप में बच्चों को सजाया गया था, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में समस्त भक्तजनों का पाटनी परिवार एवं जैन समाज जनों के द्वारा शीतल पेय पदार्थ एवं आइसक्रीम खिलाकर पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। पूरे नगर में जोश एवं उत्साह का वातावरण इस तरह से बना हुआ है कि पूरे नगर को भगवा ध्वजों, बैनरों, स्वागत द्वार, रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जिससे पूरा माहौल राममय नजर आ रहा है। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। अंचल
सबरी माता की जय। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।